भविष्य में ये इनके खिलाफ भी हो सकते हैं। इसीलिए शुरुआत में जहां हिटलर और मुसोलिनी को पश्चिमी देशों से समर्थन मिला, बाद में यही दोनों देश एक अलग ही क्षेत्र में आ गए, एक अलग ही दृष्टिकोण में आ गए। परिणाम ये निकला कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। इसके लिए जर्मनी और इटली ने शुरुआत में एक गुट भी बनाया था बेटा, जिसे कहा जाता है त्रिगुट, ठीक है, या फिर इसे साम्यवादी विरोधी गुट भी कहा गया है, इंग्लिश में एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट। और इस गुट में तीन देश शामिल थे, एक जर्मनी, दूसरा इटली और तीसरा अभी जापान। कहां से आ गया भाई, कहां से? जापान साइड से आ गया है ना। साइड से आने के पीछे भी कारण है बेटा, ठीक है। एक छोटा सा देश जापान, ठीक है, और इतना बड़ा रशिया, ठीक है। इन दोनों के बीच एक युद्ध हुआ था 1905 में। कौन जीता होगा? जापान, ठीक है। मतलब एक छोटे से देश ने इतने बड़े रूस को हरा दिया, ठीक है। उसके पीछे कारण क्या था? जापान में इससे पहले औद्योगिक क्रांति हुई, ठीक है, और उस औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जापान की शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि हो गई। क्योंकि जापान की जो औद्योगिक क्रांति थी वो यूरोपीय देशों की औद्योगिक क्रांति से पूरी तरीके से अलग थी, ठीक है। जो विश्व इतिहास जो तुम्हारा सब्जेक्ट है GS पेपर 1 में, वहां पे दिया हुआ है, पढ़ना भी है तुम लोगों को। औद्योगिक क्रांति सिर्फ ब्रिटेन की नहीं, जापान की पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी तरीके से अलग थी। और औद्योगिक क्रांति के बाद, रूस को हराने के बाद, जापान और अधिक साम्राज्यवादी हो गया। तो 1905 के बाद जापान ने धीरे धीरे मंचूरिया पे कब्जा कमाना शुरू कर दिया, चीन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। जापान और अधिक साम्राज्यवादी होता चला गया, और इस साम्राज्यवादी विचारधारा में जापान का जो सबसे बड़ा विरोधी बना वो था रूस, ठीक है। और रूस में साम्यवाद विरोधी जितनी भी ताकतें हैं वो एक साथ मिल जाएगी, जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है। और इन तीनों के विरोध में मजबूरी वश, ठीक है, कुछ देशों को फिर से साथ आना पड़ेगा। कौन कौन से? ब्रिटेन, फ्रांस, और मजे की बात मतलब पूंजीवाद और साम्यवाद एक साथ, किसके विरोध में? इनके विरोध में, ठीक है। और तो और अगर और विश्व इतिहास के डेप्थ में जाया जाए तो हिटलर ने संधियां कर रखी थी बेटा सबसे, ठीक है। हिटलर ने एक ही समय पर फ्रांस से भी समझौता कर रखा था कि मैं तुम पे आक्रमण नहीं करूंगा, तुम मुझ पे मत करना। रूस से भी समझौता कर रखा था कि जब मैं फ्रांस पे आक्रमण करूंगा तुम पीछे से हमला मत करना, ठीक है, और फिर पोलैंड मार्ट लेंगे आधा आधा, ठीक है। पोलैंड ये रहा ना बीच में, ठीक है, तो पोलैंड आधा आधा बांट लेंगे, बट जब मैं फ्रांस पे हमला करूंगा तुम कुछ नहीं करना, तुम चुपचाप बैठे रहना, ठीक है। और फ्रांस से बोल रखा है कि जब मैं रूस पे हमला करूंगा तुम कुछ मत करना, राइट। बड़े आसान, बड़े मजे मजे से हिटलर ने सबके साथ संधियां कर रखी है, और सीक्रेट एग्रीमेंट्स, किसी को नहीं पता किसके साथ क्या कर रहा है, राइट। सो हिटलर ने बड़ी ही चतुरता से सारे जो शतरंज के मोहरे थे वो अपने हिसाब से बिछा रखे थे।
और फिर जब सारी चीजें सेट हो गई, 1 सितंबर को जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया। इधर से जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया, उधर से रूस आक्रमण करेगा, क्योंकि पहले ही एग्रीमेंट हो गया है आधा आधा बांटने का। तो बोले तुम इधर से बढ़ो, मैं इधर से बढ़ता हूं। देन पोलैंड के समर्थन में ब्रिटेन जुट जाएगा, और जब ब्रिटेन जुट जाएगा तो उधर से फ्रांस आ जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, राइट? तो इस तरीके से 1919 के बाद जो सामूहिक सुरक्षा की जो अवधारणा थी, जो बड़े सोच समझ के बनाई गई थी कि सब मिलके एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे, ठीक है, ये अवधारणा भी विफल हो गई। विश्व युद्ध दोबारा हो गया। तो जब ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, फिर से एक नई अवधारणा बनानी पड़ेगी, ठीक है? और ये नई अवधारणा कौन सी होगी बेटा? दोबारा से 1945 के बाद सामूहिक सुरक्षा के साथ साथ अब दोनों अवधारणाएं एक साथ रूप से स्थापित की जाएगी। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो वैचारिक दो ध्रुवीयता थी वो अब और अधिक विकराल रूप ले लेगी, और विश्व वाकई में वास्तविक रूप से विश्व की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो दो ध्रुवीयता स्थापित हो जाएगी। तो अभी तक सिर्फ वैचारिक रूप से हो रहा था, ब्रिटेन और रूस द्वितीय विश्व युद्ध में साथ में लड़े, मतलब जो लड़ाई थी ब्रिटेन और रूस की वो सिर्फ विचारधारा के आधार पे थी, दोस्त तो वो अभी भी बन गए, बट अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये लोग कभी दोस्त नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि राजनीतिक रूप से दोनों ने अपने अपने अलग अलग रास्ते चुन लिए। तो विश्व क्या हो जाएगा? अब दो गुटों में बट जाएगा। सो विश्व में दो ध्रुवीयता स्थापित हो जाएगी। एक ध्रुव बन जाएगा साम्यवादी गुट, जिसका नेतृत्व करेगा सोवियत संघ, और दूसरा गुट होगा पूंजीवादी गुट, और इसका नेतृत्व कौन करेगा? वापस से अमेरिका। ठीक है, बट थोड़ी देर पहले जो हमने पढ़ा, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, यहां अमेरिका था क्या? फिर नहीं था अमेरिका, ठीक है? अमेरिका फिर से बोले तुम लड़ो, पैसा चाहिए ले लेना, हथियार चाहिए ले लेना, ठीक है, बिल्कुल संकोच नहीं करना, मांग लेना मैं बेचूंगा, दान नहीं करूंगा, राइट? बट यहां पर फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान एक गलती कर देगा। जापान 1942 में दिसंबर में अमेरिका के एक द्वीप पर हमला करेगा, पर्ल हार्बर पर, ठीक है, जहां पे अमेरिकी सेना स्थित है। और जब अमेरिका पे प्रत्यक्ष रूप से हमला होगा, अभी तक प्रत्यक्ष रूप से हमला नहीं हो रहा है, अब प्रत्यक्ष रूप से हमला होगा, और इस प्रत्यक्ष हमले के बाद अमेरिका प्रवेश करेगा द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस की तरफ से। और जब दिसंबर 1942 के बाद अमेरिका शामिल होगा, तो 1943 के अंत तक इटली सरेंडर कर चुका होगा, आत्मसमर्पण कर चुका होगा। 1944 में जर्मनी आत्मसमर्पण कर चुका होगा, और जापान अभी भी लड़ रहा होगा, ठीक है, जापान अभी भी लड़ रहा है। फिर अंततः जापान को हराने के लिए अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाएंगे हिरोशिमा और नागासाकी पे, 6 अगस्त और 9 अगस्त। 9 अगस्त, ठीक है बेटा, सीधे बैठो, हम आराम नहीं कर रहे, मूवी नहीं देख रहे, है ना?
6 अगस्त और 9 अगस्त को डिसिप्लिन, ठीक है, और परिणाम ये निकलेगा कि 15 अगस्त को जापान आत्मसमर्पण। तो 15 अगस्त 1945 को जापान द्वारा आत्मसमर्पण करने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा। बट इस द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होगी जिसकी वजह से ये विश्व जो है वो दो ध्रुवीय होगा, ठीक है। पहली घटना, जब जर्मनी रूस पे हमला करेगा फ्रांस को हराने के बाद, ठीक है, तब फ्रांस बार बार सॉरी रूस बार बार फ्रांस और ब्रिटेन से निवेदन करेगा कि तुम जर्मनी की तरफ हमला करो इस तरफ से, तो क्या होगा, जर्मनी की सेना दो भागों में बटेगी, रूस को नुकसान कम होगा। बट ब्रिटेन और फ्रांस क्या करेंगे, जानबूझकर जर्मनी के खिलाफ हमला बोलने में विलंब करेंगे। क्यों? क्योंकि लड़ना तो उन्हें साम्यवाद से भी है ना, दिमाग में तो उनके ये भी बैठा हुआ है, तो बोले रूस जितना ज्यादा कमजोर होगा उतना फायदा हमें होगा, लड़ने दो, कमजोर पड़ने दो, फिर बाद में लड़ेंगे हम, ठीक है। तो परिणाम क्या हुआ, रूस पीछे हटता गया। द्वितीय विश्व युद्ध का घटनाक्रम बता रहा हूं, ठीक है, जब जर्मनी आगे बढ़ रहा था रूस पीछे हट रहा है, रूस बार बार इन लोगों से कह रहा है कि जर्मनी के खिलाफ आप आक्रमण करो, ये लोग मना करेंगे, मना नहीं करेंगे, डिले करेंगे, उसमें होगा क्या, रूस पीछे हटता जाएगा, ठीक है। बट वहां रूस क्या करता है, जैसे जैसे रूस पीछे हटता है जितने अनाज के गोदाम है सबको आग लगा देता है, जितने खेत है सबको जला देता है, जितने पानी के स्थान है सब में जहर मिला देता है, दूषित कर देता है, ठीक है। तो रूस पीछे हट रहा है, जर्मनी आगे बढ़ रहा है, बट जर्मनी के पास रसद आ रही है क्या, नहीं, और जो भंडार गृह है वो सारे खराब है, उसका उपयोग नहीं कर सकते। अक्टूबर नवंबर आते आते मौसम बदलेगा, ठंड बढ़ेगी, ठीक है, और जब ठंड बढ़ेगी तो जर्मनी को आदत नहीं है इतनी शीत युद्ध की, ठीक है, इतनी ठंड में युद्ध करने की, जर्मनी सेना कमजोर पड़ेगी, अब स्थिति बदलेगी, अब रूस आक्रमण करेगा, जर्मनी पीछा हटना शुरू। तो ऐसे में जो विश्वास था ब्रिटेन और रूस के बीच, फ्रांस और रूस के बीच, हो गया बर्बाद, है ना। दूसरी लड़ाई तो वैचारिक थी ही थी, तीसरी लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका आणविक हथियार बनाने की दौड़ में शामिल हो गया, ठीक है, मतलब अमेरिका द्वारा कोशिश कर किया जाना शुरू कर दिया गया कि वो अपने लिए आणविक हथियार बनाए, एटॉमिक बॉम्ब, और इसकी जानकारी सोवियत संघ को नहीं थी, ठीक है। मतलब एक तरफ तो तुम साथ में हो, ब्रिटेन को पता है, फ्रांस को पता है, बट सोवियत संघ को नहीं पता। अगर आप अमेरिकी सोर्सेस देखोगे, अमेरिका के इतिहास देखोगे, तो वहां लिखा है कि सोवियत संघ को बताया गया था कि हम एटॉमिक बम बना रहे हैं, बट यथास्थिति यह थी कि सोवियत संघ को इस बात की जानकारी नहीं थी कि अमेरिका द्वारा आणविक बम बनाया जा रहा है। अमेरिका ने कुल 3 बम बनाए थे, एक का उपयोग किया गया एक्सपेरिमेंट के रूप में न्यू कोलोराडो में, न्यू मैक्सिको क्षेत्र में, ठीक है, टेस्ट हो गया, पता चल गया कि हाँ बढ़िया है, तो बोले बाकी 2 जापान पर, ठीक है। तो जब जापान पे हमला हुआ, सोवियत संघ को पता चला कि ऐसा कुछ भी है, तो दोस्त के साथ इतनी बड़ी बातें छुपाना, वो भी युद्ध के दौरान, ठीक है, उस विश्वास को खत्म ही कर देगी। तो जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होगा, विश्व अपने आप 2 गुटों में बट जाएगा कि अब तुम्हारे साथ तो दोस्ती हो ही नहीं सकती, ठीक है, संभव ही नहीं है। तो सामूहिक सुरक्षा के बेशक प्रयास कर लो, ठीक है, अब क्या होगा, 2 ध्रुवों के मध्य शक्ति का संतुलन स्थापित हो, हर दोनों देश अपनी अपनी शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, दोनों देश एक दूसरे की शक्ति को संतुलित करने के प्रयास करेंगे, ठीक है, और यही शक्ति के संतुलन का सिद्धांत जन्म देगा
शीत युद्ध को, ऐसा युद्ध जो गैर सैन्य युद्ध है, जहां सिर्फ सैन्य आधार पर लड़ाई नहीं होगी, अन्यथा सभी मामलों पर लड़ाई होगी, ठीक है। और साथ ही साथ क्योंकि विश्व शांति भी स्थापित करना है, तो उसके लिए सामूहिक सुरक्षा के लिए एक नया संगठन बनाया जाएगा, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, सो इस तरीके से अवधारणा दोनों एक साथ स्थापित की गई है, ठीक है। बट इस शक्ति के संतुलन के सिद्धांत के लिए अमेरिका और रूस दोनों एक और नए सिद्धांत को जन्म देंगे, वो होगा सामूहिक रक्षा का सिद्धांत, सामूहिक सुरक्षा और सामूहिक रक्षा, दोनों अलग अलग सिद्धांत है। सामूहिक सुरक्षा में अवधारणा क्या थी, अगर कोई एक देश विश्व शांति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या विश्व शांति को खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो बाकी सारे देश क्या कोशिश करेंगे, उसे एक देश के खिलाफ हो जाएंगे। बट अब अमेरिका और सोवियत संघ किस चीज की बात कर रहे हैं, सामूहिक रक्षा की। इसका मतलब क्या हुआ, विश्व के कुछ देश, सारे देश नहीं, कुछ देश आपस में एक समझौता करेंगे, और इसमें अगर किसी भी एक देश पर हमला होता है तो यह माना जाएगा कि हमला पूरे गुट पर है, और फिर सारे देश मिलकर उस एक देश की रक्षा करेंगे। और इसी के लिए अमेरिका क्या बनाएगा, नाटो, उत्तरी अमेरिकी संधि क्षेत्र या संगठन क्षेत्र, ठीक है। और इसके जवाब में रूस चुप बैठेगा क्या, नहीं, रूस अपना बनाएगा वॉर्सा पैक्ट, तुम डाल डाल हम बात कर, सिंपल, ठीक है। तुम नाटो बन, हम वॉर्सा पैक्ट बनाएंगे, तुम मार्शल प्लान लाओ, हम सीएमईए लाएंगे, ठीक है। तुम ट्रूमैन डॉक्ट्रिन लाओ, हम ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन लाएंगे, मतलब जिस तरीके से तुम हमारे विरुद्ध काम करने की कोशिश करोगे, हम उसी का जवाब उसी पैमाने पर या उससे और ज्यादा उग्र होकर शुरू करेंगे, राइट। सो एक तरफ तो विश्व दो ध्रुवीय विश्व हो गया, वहीं दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र बन गया, और ये संयुक्त राष्ट्र विश्व शांति के लिए काम करेगा, राइट। सो सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन, दोनों सिद्धांत 1945 से समान रूप से लागू रहेंगे, और ये समान रूप से लागू सिद्धांत, ठीक है, कब तक चलेगा ये कहानी, ये कहानी चलेगी 1991 जब तक शीत युद्ध चलेगा। और 1991 में जैसे ही सोवियत संघ का पतन होगा, दो ध्रुवीय विश्व से एक ध्रुवीय विश्व बन जाएगा वापस से, और इस एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा, एकमात्र महान शक्ति अमेरिका। तो विश्व के सभी देशों को अपनी अपनी नीतियां किसके अनुसार बनानी पड़ेगी, अमेरिका के हिसाब से, ठीक है। बट ये जो एक ध्रुवीय विश्व है, ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, ठीक है। ये कितने साल चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 8-9 साल, 2000 आते आते विश्व दोबारा एक नई राजनीतिक व्यवस्था को जन्म देगा, ठीक है। यही एक ध्रुवीय विश्व अब बन जाएगा बहुध्रुवीय विश्व,
और ये बहुध्रुवीय विश्व में कौन कौन आ जाएगा? अमेरिका, एक ध्रुव, रूस अपनी शक्ति को वापस से संगठित कर लेगा इस समय तक आते आते, जो 1991 में सोवियत संघ का पतन हुआ उसके बाद रूस कमजोर हुआ, बट 1991 के बाद रूस हर वो तरीका अपनाएगा कि अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करे। उसके लिए वो सबसे दोस्ती करेगा, सबको अपने हथियार बेचेगा, ठीक है, अपनी साम्यवादी विचारधाराओं को कम करेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करेगा जिससे उसका प्रभाव बढ़ेगा, साथ ही साथ कुछ नए देश आना शुरू हो जाएंगे इस बहुध्रुवीय विश्व में, जैसे कि चीन। इस समय तक 2000 तक आते आते एक नया गुट बन जाएगा, यूरोपीय संघ, ठीक है। फिर एक और गुट आएगा, आसियान। इसका मतलब क्या हो रहा है? अब सिर्फ दो गुट नहीं है, अब बहुध्रुवीय विश्व हो रहा है। भारत अभी भी नहीं है बेटा इसमें, ठीक है। भारत को आने में समय है। भारत कब आएगा? भारत आएगा 2008 के बाद, ठीक है। वो 2008 में क्या होगा? फिर से महामंदी आएगी, आर्थिक मंदी आई थी 2008 में। उस आर्थिक मंदी की वजह से ये जितने भी देश हैं यहां पे जो लिखे हुए हैं सिवाय चीन के, इन सबकी आर्थिक शक्ति कमजोर हुई, और जब इनकी आर्थिक शक्ति कमजोर होगी तो विकासशील देश जो होंगे उनकी आर्थिक शक्तियों में वृद्धि होगी, और उसमें एक नया देश आ जाएगा, भारत। तो अब विश्व के एक ध्रुव और जुड़ गया, और वो ध्रुव हो गया भारत। तो अब विश्व जो बहुध्रुवीय है, अब उसमें भारत भी एक ध्रुव के रूप में शामिल है। आई बात समझ में? तो किस तरीके से विश्व परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। अब जितना पढ़ा है लिख लो बेटा 150 शब्दों में, कहानी तो सुन ली। हाँ कारण ये था कि अगर किसी भी संगठन को या किसी भी गुट को जबरदस्ती बलपूर्वक बनाया जाए तो वो संगठन, वो समूह तब तक ही रहता है जब तक उस बल का अत्यधिक प्रयोग किया जाए। जिस दिन उस बल का प्रयोग को कम करोगे वो अपने आप टूट जाएगा। उसमें जो सोवियत संघ में जो दो अलग अलग जुड़े हुए थे वो निकल गए उससे, हाँ बिल्कुल, ठीक है। शुरुआत जो की गई थी वो अत्यधिक बल की वजह से की थी, जबरदस्ती किया गया था, ठीक है, ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन के माध्यम से, स्टालिन की नीतियों की वजह से, ठीक है। गोरबाचेव ने विघटन करवाया था बेटा। विघटन में गोरबाचेव का हाथ था, बेचारे ने सोचा भी नहीं था कि विघटन हो जाएगा, बट उनकी नीतियां इस तरह की थी कि विघटन हो गया, ठीक है। जो बनाने के पीछे था लेनिन का हाथ, उसके बाद स्टालिन का हाथ, ठीक है, उसके बाद ब्रेजनेव साहब का हाथ, ठीक है। इन लोगों ने पूरी तरीके से ताकत लगाकर साम्यवादी रूस, सोवियत संघ बनाए रखा बलपूर्वक, और गोरबाचेव साहब ने सोचा कि थोड़ी सी अगर इनको छूट दे दूं तो ये लोग बने रहेंगे, इन्हें खुशी होगी और ये खुशी खुशी बने रहेंगे। बट जैसे ही वो छूट दी गई ग्लासनॉस्ट और पेरेस्ट्रॉयका के माध्यम से, ठीक है, इन लोगों ने अलग होना शुरू किया, वो कारण था। वैसे और भी बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, बट वो विश्व इतिहास में पढ़ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में थोड़ी ना। डन, शुरू हो जाओ। तो अच्छा क्वेश्चन भी बताना है, लिखो तो फिर प्रश्न। विश्व राजनैतिक व्यवस्था शक्ति के संतुलन सिद्धांत से
शक्ति के संतुलन सिद्धांत से किस प्रकार वर्तमान स्वरूप में निर्मित हुई है चरणबद्ध रूप से समझाइए। कितने शब्द? 250 ऑन पब्लिक डिमांड। 250 ठीक है, शुरू हो जाओ बेटा। अभी अभी तो सुना है ना पूरी कहानी। जब पूरी कहानी अभी सुनी है तो लिख दो पूरी कहानी अभी। एंड कर दो इसको। हाँ, क्वेश्चन लिखना है इन बच्चों को।